चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया के सामने अपनी शक्ति का ढिंढोरा पीटता है, किसी देश से पंगा लेने से पहले विचार नहीं करता, खुद को मजबूती से पेश करता है। कहा जाता है कि चीनी सेना के पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है जो काफी खतरनाक है, इसी के दम पर वो शक्ति प्रदर्शन करता है। हालांकि एक रिपोर्ट ने चीन की पोल खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर युद्ध लड़ने की बात आती है तो फिर चीनी सेना फिसड्डी साबित हो सकती है। जी हाँ, चीन भले ही अपने देश को मजबूत रखने के लिए आधुनिक हथियार खरीदता हो, उनको बनाता हो, भारी मात्रा में इसमें निवेश करता हो, लेकिन ये भी सच है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर चीन की सेना जीरो साबित हो सकती है। ये दावा अमेरिका की एक मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। मैगजीन का कहना है कि चीन के पास आधुनिक हथियार तो मौजूद है, लेकिन किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में इन हथियारों को ऊंची जगहों पर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में आमने सामने की लड़ाई चीनी सेना नहीं लड़ पाएगी। जाहिर सी बात है, हथियार होना और उनको युद्ध स्थल पर पहुंचाने का जरिया होना दोनों जरूरी है। चीन के साथ ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि ऊंची जगहों पर हथियारों को पहुंचाने की व्यवस्था सही नहीं है। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ही चीन ने सैन्य क्षमता प्रदर्शित करने के लिए नए रॉकेट्स और युद्धक हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग की थी। इनमें PHL-11 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, PHL-03 लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर और PCL होविट्जर तोप शामिल हैं। हालांकि इन सब के बीच अब चीन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऊंची जगहों पर हथियारों को पहुंचाया कैसे जाए। इसके लिए अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर इसमें मददगार साबित हो सकता है। चीन के पास इस वक्त Z-8 कार्गो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जो चिनूक की क्षमता के मुकाबले आधे भी नहीं है। चीन का हेलीकॉप्टर 20,000 पाउंड का वजन उठा सकता है, तो वहीं चिनूक 50,000 पाउंड का भार उठाने की क्षमता रखता है। ये तो रही चीन की बात। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के पास चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद है। जाहिर है, इस मुकाबले भारत चीन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। भारत ने बोइंग से 22 अपाचे और 15 चिनूक खरीदे थे, तो देखा आपने, शेकी बगाड़ने वाले चीन से ज्यादा ताकतवर इस मामले में तो भारत ही है।